गाड़ी आ जाए सामने। हाँ ये होता है कि बस टाइम ना लोग एकदम आते हैं आगे। हाँ अब कनेक्ट हो गया हेलो पैसे भी नहीं डालती आप कैसी करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। लाइव विद काजम अब्बासी फ्रॉम रेल स्टेशन और आज का मलका है कोसार मरी आपके सामने है। और आज तकरीबन दिन 12 बजे से लेके अब तक मुसलसल हल्की स्नोफॉल, एक छोटी जिसको कहते हैं, तेज़ भी है स्लो भी है और मज़ेदार किस्म की लगी है, जिसने रोड्स वगैरह को तो गीला कर ही दिया लेकिन जो साइड्स हैं आप देख सकते हैं मज़ेदार तरीके से कवर्ड हो चुकी हैं। हल्की हल्की से अब इसने शिद्दत इख्तियार कर ली है, मगरिब के बाद ये मज़ीद तेज़ होती जाएगी और ज़बरदस्त किस्म की। ये है जी मलका कोसार मरी की खूबसूरत शाहराएँ जो कि बर्फ़बारी के बाद एक अजीब और एक ज़बरदस्त किस्म का मंजर पेश करती हैं। ये मेन रोड है जी जो कि कार्ट रोड की तरफ जाती है और कार्ट रोड से टूवर्ड्स आप चलते जाएँ तो आपको डिफरेंट जीटी रोड और जीटी रोड से फिर आगे लिंक करती रहती है बाकी एरियाज को। तो ये लाइव स्ट्रीमिंग है जी, स्नोफॉल में तेज़ है, तेज़ हो रही है, फिर स्लो है, फिर तेज़ है, ये आप देख सकते हैं। और चलते फिरते घूमते फिरते आपको हर जगह दिखाएंगे जिस हद तक हम सो सकेगा। आज काफ़ी लोग माशाल्लाह मरी की तरफ रवा दवा हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि मगरिब से पहले पहले मलका कोसार मरी में दाखिल हो जाएं और मगरिब के बाद भी इंशाल्लाह रोड के हालात ठीक रहेंगे, उम्मीद पूरी है बेहतरीन रहेंगे, लेकिन एहतियात बेहतर है और एहतियात सबसे बेहतर है। और एहतियात यही है कि आप जब भी दिल करें दिन में कोशिश करेंगे दिन में पहुँचें। तो वेलकम जी ऑल ऑफ़ यू, राशिद मलिक साहब कैसे हैं, वालेकुम सलाम सैर, वालेकुम सलाम, हैप्पी गुड ईव, सनिया फारूक, नूरुलैन खान क्या हाल हैं, राशिद मलिक साहब मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल हैं कैसे हैं, सदफ और शेरो साहब, नूरुलैन मरीख में बर्फ़बारी बिल्कुल जी ऐसा ही है और ज़बरदस्त किस्म की स्नोफॉल है, गलियात में इससे ज़्यादा हो रही है, रोड सिचुएशन आपके बिल्कुल सामने है, हर मेन रोड जो कि एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होती है मरी को, फिर वहाँ से आगे आप आते जाएं चलते जाएं तो चेगा गली, कुल्डन्ना, सैनी बैंक सब क्लियर है। और ये मैं सैनी बैंक वाली साइड पे हूँ और सैनी बैंक चौक आपको दिखाऊंगा जो कि जीटी रोड से जो लोग आ रहे हैं तो सैनी बैंक से टूवर्ड्स कुल्डन्ना लेते हैं, कुल्डन्ना से फिर चेगा गली की तरफ। तो वेर मैं आपको ड्रॉप कर रहा था ना यार, मामू सही बात है, पता जीप मंगवाता हूँ इजीली चले जाएंगे, पक्की बात है, अल्लाह हाफिज़ मुलाकात होती है, सलाम लो दीजिएगा, ऊपर कर दो, नहीं नहीं रहने दे, चलें जी चलते हैं, वो आपको खूब इंजॉय करवाते हैं, हल्के हल्के चलेंगे, ढीले ढीले चलेंगे, सैनी बैंक के मकाम के पास हैं। और दिल साहब अब होपफुली आपको पता चल गया होगा रोड्स वगैरह का, रोड्स वगैरह बिल्कुल क्लियर हैं, कोई इशू नहीं है। और मनान साहब मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं, ठीक हैं, तानीवान थैंक यू वेरी मच, मुजाहिद साहब वालेकुम अस्सलाम, कासिम बासी साहब वालेकुम अस्सलाम, दाने मलिंग इंजॉय करें जी दुबई से, कुछ गर्मी भी खाएँ और अब ठंड भी, ठंड को फील करें, और यहाँ पर सर्दी और दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। अजहर आलम साहब वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं, ठीक हैं, और अभी आपके साथ सुबह वाली वीडियो देख रहे थे और आप लाइव आ गए, चलें जी सुबह वाली भी देखें, इसको भी इंजॉय करें, इसको भी शेयर करें, सब लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर किया करें, इस खूबसूरत खित्ते को, मलका कोसार मरी को पूरी दुनिया में पहुँचाना मेरा और आपका काम है, इस मुल्क की खूबसूरती दिखाना मेरा और आपका ही काम है जी, ताकि हमारे मुल्क में टूरिज़्म बढ़े और टूरिज़्म इंडस्ट्री से हमारी इकॉनमी को सबसे बड़ी सपोर्ट मिल सकती है। तो जी सैनी बैंक चौक ये आ रही है जी जीटी रोड जो कि आती है पिंडी से और फिर आप यहाँ पे यहाँ से लेते हैं कुल्डन्ना, कुल्डन्ना के मकाम पे स्नोफॉल ज़्यादा होती है और बड़ी तेज़ हवा चल रही है शदीद। तो कासिम साहब कैसे हैं आप, सर ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं, के टू डॉल क्या हाल है आपके, ठीक है, मुजाहिद साहब थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग, और जीशान साहब वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं सर, ठीक है जी सर, ये वही हो रही है चिट्टी चिट्टी बर्फ़ की आपने
चटल होने लगा है सारी जगह और फिर वापस होगा, उम्मीद यही है। सलमान खान साहब क्या हाल है, अनिता कैसे हैं आप, और स्नो के चांसेस? स्नो के नहीं है जी, बर्फ़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्नो के चांसेस शायद कम ही हैं लेकिन बर्फ़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और बर्फ़ अभी हो रही है जी। और अनिता आमिर वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? थैंक यू नौशीन, उमैमा, इमशा और जिया साहब क्या हाल है सर? ठीक है। अहमद अली साहब कर रहे हैं सर, यूज़ भी करेंगे, आपको भी इंजॉय कराएंगे, खुद भी करेंगे, हल्का हल्का चलते रहेंगे और इस यही मज़ा है जी, असल खूबसूरती दिखाना, इस मुल्क की खूबसूरती को इंजॉय करवाना। फराह खान वालेकुम सलाम, बासी साहब वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। एसी मरी से बचना, और एसी मरी साहब से क्या बचना है सर, एसी मरी एडमिनिस्ट्रेटर हैं जी, उनसे क्या बचना है, वो आज हैं कल चले जाएंगे, कल को नया एसी आ जाएगा। हम तो यही कहते हैं जो आने वाला है कम अज़ कम आँखें खोल के रखा करें, ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा ही शातिर होती है, उसको देखना चाहिए कि हालात कैसे हैं, माफिया से बचना चाहिए, जिस जगह पे वो आते हैं वहाँ पे काम करना चाहिए आँखें खोल के, कान खोल के, ताकि उनको डिफरेंट व्यूज़ पता लगे। बाकी उन्होंने क्या कहना है जी, इंसान से क्या डरना, डरना अल्लाह से, जब अल्लाह से डर होगा तो इंशाल्लाह फिर इंसानों का डर भी नहीं होगा, तो डरना अल्लाह से चाहिए। आप सब इंजॉय करें ज़रा, जावेद रिमशा घर बैठे इंजॉय करें जी, और थैंक यू तई जया साहब क्या हाल है सर? ये देखें जी यहाँ पे धुंध भी है कुल्डन्ना के मकाम पे, और यहाँ का मौसम भी आपके सामने है, तेज़ बर्फ़ होती है बाकी एरिया से यहाँ पे, और आपने देखा पीछे फॉग नहीं थी, और जब भी फॉग होती है तो तकरीबन इसी एरिया से स्टार्ट होती है, फिर मलका के उसार मरी जीका गली कवर करती है, जीका गली से आगे चलते जाए तो लॉरेंस कॉलेज रोड। तो ये है जी खूबसूरत कुल्डन्ना रोड, जहाँ से लेफ़्ट लें तो नथे के लिए यूबिया वाली साइड है और एप्टा वाली साइड पे आप जा सकते हैं, तो वहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा तेज़ होगी आपके। अशरफ साहब इन नज़ारों में अकेले ही फिरते हैं फिर, और क्या करें सर, फिर कोई साथ लेके तो फिरने वाला है नहीं, फिलहाल कर लेंगे साथ ही साथ चलते जाएंगे। और थैंक यू सईद आमिर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जरार, और स्नो स्टार्ट हो गई है? नहीं जी स्नो तो नहीं हो रही, जो ऐसा कि मैंने बताया अभी बर्फ़ हो रही है, स्नो स्टार्ट होगी रात को जी ज़बरदस्त किस्म की, अभी अभी बर्फ़ को इन्जॉय करें, तो स्नोफॉल एक्सपेक्टेड कल भी है जी। इस रोड पे अब एहतियात करनी है, ये है कुल्डन्ना का रोड, यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होती है, तेज़ होती है, और यहाँ पे सिग्नल्स भी शायद ड्रॉप होते हैं थोड़े बहुत, तो एहतियात इसलिए कि ड्राइविंग यहाँ पे थोड़ी एहतियात मुताद होके, यहाँ पे स्लिप होना शुरू हो जाती हैं गाड़ियाँ जब ज़्यादा इस तरह की हल्की फुल्की बर्फ़ छोटी छोटी तेज़ लगी हो। तो जी माशाल्लाह सब लोग इन्जॉय करते हैं, खूब इन्जॉय करते हैं इस एरिया को, इस जगह को, इस पॉइंट को स्पेशली, ये पॉइंट जो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत रश होते हैं, और यहाँ पर तकरीबन जब तक बारिश नहीं होती तो ये बर्फ़ यहाँ पे रहती है, और खूब लोग यहाँ पे आके एंजॉय करके जाते हैं। तो यहाँ पे पार्किंग के लिए एहतियात किया करें, साइड्स पे लगा के एक साइड पे कवर कर लिया करें ताकि किसी किस्म का इशू ना हुआ करे गाड़ियों के आने और जाने में। बाकी बहरहाल आपकी जगह आपकी दुनिया जहाँ दिल करें खूब इंजॉय करें मज़े करें, ये देश आपका, ये मुल्क आपका, और ये शहर मलका गुसार भी आपका ही है और हमारा है। तो ये देख सकते हैं जी कुल्डन्ना दरख्तों पे फिर से खूबसूरती आना शुरू हो गई है, अल्लाह की कुदरत है, और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर होते हैं जब इन दरख्त की टहनियों पे शाखों पे आपको बर्फ़ देखने को मिलती है। दुबई में आज ठंड है और यहाँ पे बिल्कुल ही ठंड है जो आप देख सकते हैं जी कासिम भाई, और सारा सनी बैंक से हम गुजर आए हैं जी, और कर दी शेयर, थैंक यू वेरी मच, ढीले ढीले चलते जाएंगे सिर्फ स्नो, सनी फारूक शो करेंगे डिले डिले फेस बिल्कुल करेंगे, और हम तो शायद हमारा तो कई दफ़ा शो हो भी चुका है गलती से, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा कि हम भी शेयर करें, लेकिन मेरे फेस से ज़्यादा कीमती आप लोग हैं और उन आ, और ये खूबसूरती है, और ये खूबसूरती शेयर करना समझे फेस शेयरिंग भी हो ही गई है। लव यू मरी, थैंक यू नौशीन, और सादिया साहब थैंक यू वेरी मच, साद नईम साहब वालेकुम सलाम क्या हाल है, कब तक है स्नो मिलेगी? जब तक अल्लाह का हुक्म हुआ, और ये कल तक है, और यकम दो तक हल्की फुल्की जारी सारी रहेगी। खान रियाज साहब वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं ज़बरदस्त है। फैसल फारूक थैंक यू वेरी मच, अब्दुल वाहब साहब क्या हाल है आपके? ठीक हैं ज़बरदस्त हैं। तो ये देखें जी अब स्लिप भी हल्की हल्की रोड पर है, और इसमें स्पीड माने से बेहतर है कि आप हल्के एक्सीलेटर रख के एहतियात से इस वक्त को, इस जगह को एंजॉय करते करते झीका गली के मकाम पे पहुंच जाएं।
धुंध भी है जी और बर्फ़ के साथ साथ धुंध भी जारी सारी है और इसकी शिद्दत अब आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जाएगी और शाम में मज़ीद तेज़ होगी। ये मेन शराएँ हैं जो कि टोटली ओपन है और इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि हाईवे डिपार्टमेंट से और CTP से जो इंतज़ामिया है कि वो रोड्स ओपन करेंगे और जो पहले जिस तरह करते आए हैं इंशाल्लाह। तो रेस्ट देखिए अब क्या बनता है आने वाले टाइम में। अफरीद साहब क्या हाल है सर? ठीक हैं। बर्फ़ और स्नो में बस यही फ़र्क है कि बर्फ़ बर्फ़ होती है, स्नो स्नो होती है और इससे बड़ा और डिफरेंस क्या हो सकता है यार? कमॉन भाई, आपको नहीं पता बर्फ़ और स्नो में क्या फ़र्क है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी बर्फ़ हो रही है, बाद में स्नो होगी, अभी बर्फ़ को एंजॉय करें। तो ये देखते जाएं जी, खूब देखें आगे चले। ये कुल्डन्ना रोड है, चलते जाएंगे यहाँ से आगे। बहुत खूबसूरत पाकिस्तान है हमारा। आतिफ साहब क्या हाल है सर? ठीक हैं। खान वली साहब, सबके मैसेज पढ़ता हूँ जी और कोशिश पूरी करता हूँ कि जिनके मैसेज ना पढ़ सकूँ उनके लिए माजत कर लूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि सबको मैसेज पढ़े जाएँ, सबको आपकी अच्छी राय होती है और उसका जवाब ज़रूर देना चाहिए क्योंकि आप लोग भी टाइम निकाल के इस मुल्क को देखते हैं, खूबसूरती को देखते हैं और उम्मीद भी करता हूँ कि इन्जॉय भी करते होंगे और उसके साथ साथ शेयरिंग भी। तो ये कुल्डन्ना रोड है, यहाँ के जब स्नोफॉल के बाद का जो मनाजिर होते हैं इंतहाई खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और जो लोग वापसी पे उतराई पे आ रहे हैं वो बहुत एहतियात से हैं, चलने वाले चढ़ाई चढ़ने वाले चढ़ जाएंगे। उसकी मेन वजह ये है कि चढ़ाई में गाड़ी में ज़ोर ज़्यादा होता है, वो चढ़ती जाती आराम से। उतराई में ये है कि आप फ्री होते हैं, हल्की सी रेस थी इसमें और ये जो मिट्टी अभी और ये जो आप देख रहे हैं रोड पर बन रही है, बर्फ़ पिघल रही है, तो इसकी वजह से स्लिपरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बहुत एहतियात किया करें जी। अकेले इंजॉय कर रहे हैं जी, साथ भी करते हैं, कभी अकेले करते हैं, मिक्स ही चलता रहता है। फ्राइडे का फ्राइडे को बताएंगे जी क्या होगा। स्नो या बर्फ़ में फ़र्क जनाब, स्नो और बर्फ़ में फ़र्क बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ बर्फ़ होती है, स्नो स्नो होती है। तो सलमान आरिफ साहब क्या हाल है सर? ठीक हैं। कैम क्लियर नहीं है जी, कैम क्लियर है जी और ये तब डिस्टर्ब होता है जब थोड़ा सा खड्डे जिसको कहते हैं ना उसमें आके, अब मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब हम झिका गली के मुकाम पे पहुंच रहे हैं और झिका गली से आपको लाइव मनाजिर भी दिखाएंगे, खूबसूरत झिका गली को दिखाएंगे और फिर ऐसे से चलेंगे मलेशिया से। वालेकुम अस्सलाम यासिर भाई साहब क्या हाल है सर? फातिक काजी कैसे हैं आप? खुर्रम मलिक वालेकुम अस्सलाम, कौन सी जगह है बता चुका हूँ जी। और अल्लाह का शुक्र बास खान आप सुनाएं कैसे हैं? सिग्नल इशू होते हैं लेकिन अभी आज अल्हम्दुलिल्लाह चलता जा रहा है, चलते जाएंगे आगे। नो प्रॉब्लम सर। अशरफ साहब बहुत शुक्रिया आपका इस खूबसूरत कमेंट का और एक कॉम्प्लीमेंट का सर, थैंक यू वेरी मच। आप सब खुश होते हैं, इन्जॉय करते हैं, मेरे लिए यही सबसे बड़ी कामयाबी है सर कि हम आप इस मुल्क को प्रमोट करते हैं, इस मुल्क के शहर को दिखाते हैं, इसकी खूबसूरती को। और ये देखें जी, अब दरख्तों के ऊपर उनकी शाखों पर स्नो फॉल के जारी और सारी के बाद खूबसूरत मनाजिर हैं जी। तो मरी मेरा हाल है सर? ठीक है। और दिल सदीकी साहब वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं। कहाँ हैं आप इस टाइम जी? मैं झिका गली हूँ और सलान साहब झिका गली के मकाम पे। थैंक यू हनी प्रिंस, सनिया फरूक थैंक यू वेरी मच, तायर तैली और वालेकुम सलाम एवन उस्मान भाई साहब क्या हाल है? ठीक है। और अदील साहब वालेकुम सलाम कैसे हैं? ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं, बेहतरीन। तो अब आप झिका गली के मकाम पर हम पहुँच चुके हैं और झिका गली के मकाम पे बर्फ़ की शिद्दत आपके बिल्कुल सामने है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है इस एरिया में, कुल्डन्ना साइड उस सारी जगह। चौधरी तैमूर साहब वालेकुम सलाम क्या हाल है सर? ठीक हैं। मैच अपडेट जी, चलें गुड वन जी, 82/6 17 ओवर्स गुड वन जी। गुलाम असगर साहब पहुँचते हैं, देखते हैं जी क्या हालात बनते हैं, आज जीतते हैं हारते हैं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह कैसे हैं? अख्तर साहब ठीक हैं आप? और मिर्ज़ा ईशान साहब वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच आपका खूबसूरत प्यार का। शहन शाह साहब थैंक यू वेरी मच। शमरेज़ अहमद मौसम कैसा है? बहुत ज़बरदस्त है जी, और बल्कि मैं तो कह रहा हूँ अभी बादल नीचे हैं, धूप लग रही है। उस्मान सत्ती आपका क्या हाल है सर? कैसे हैं? ठीक हैं। थैंक यू ज़हीर आफ्ताब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। चौधरी उस्मान साहब क्यों नहीं आपका नाम लेंगे सर? आपका नाम तो बिल्कुल लेंगे और आपका सलाम का जवाब भी सर आपका मिल गया, आप इसीलिए खड़े हुए हैं कि सबके कमेंट्स पढ़ने हैं। फातिमा थैंक यू वेरी मच। गुलाम हुसैन साहब थैंक यू वेरी मच आपका।
और नसीर साहब, हाजी मोहम्मद खुर्शीद साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, चौधरी उस्मान साहब, थैंक यू उस्मान सिद्दीकी साहब। जगह जगह गली का मकाम है, वॉचिंग फ्राम बरहिमनम गुडवन जी, यासिर रिजवान, रमज़ान साहब, कैसे हैं सर? कैसे मौसम है वहाँ पे, कैसे हालात हैं? स्नो वो है जो आसमान से आती है और बर्फ़ वो है जो ज़मीन पे पड़ रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सर, ये ज़बरदस्त सईद उसामा साहब आपने नरेशन दिया है, बिल्कुल मैं भी ये कह रहा हूँ। अभी बर्फ़ को इन्जॉय करें, शाम को स्नो को इन्जॉय करेंगे, तो अभी बर्फ़ हो रही है तो बाद में स्नो भी हो जाएगी। ताहिर खान, थैंक यू, क्या हाल आपके? ठीक हैं, ज़बरदस्त। जन्नत खान, वालेकुम अस्सलाम। कमल शहजाद, आइसक्रीम खाने वाला किधर है जी? आइसक्रीम खाने वाला मौसम नहीं है, ये लॉलीज बनाए, ये आप रूह अफजा लें, बर्फ़ को साफ बर्फ़ के ऊपर डाल के तो उसको गोला गंडा बना के खाएँ, ज़्यादा मज़ा आएगा। फ़ियाज़ अहमद, थैंक यू वेरी मच आपका। खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच आपका। वालेकुम अस्सलाम। और जुनैद खान, प्लीज़ यार ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इससे कोई नेक शेक नहीं है हम, लेकिन अवॉइड ज़रूर करते हैं, कोशिश करते हैं कि बचते रहें। थैंक यू मिर्ज़ा ज़ीशान बेग साहब, थैंक यू वेरी मच। आप सब किस्मत वाले हैं सर, आप भी तो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, हम अगर किस्मत वाले हैं तो आप भी तो किस्मत वाले हैं जो माशाल्लाह इसको देख रहे हैं, इसको इन्जॉय कर रहे हैं। और यही ही सबसे अच्छी हमारी लक है कि हम इस मौसम, हमें चार मौसम अल्लाह पाक ने इस मुल्क में दिए और हर तरह की नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, तो ये खूबसूरती और ये वक्त, ये इसी चीज़ का तकाजा है कि हम इसको इन्जॉय किया करें, इन्जॉय के साथ साथ शेयर भी किया करें ताकि पूरी दुनिया इस मुल्क की खूबसूरती को देखे। अफशीन, थैंक यू वेरी मच। सलमान साहब, अंसर बिस्मा, वालेकुम अस्सलाम। रियाज अहमद साहब, शहर हसन, बहुत ऐसे मौसम है जी। बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच। दानिश साहब, ये बादल है या फॉग? ये बादल है, बादल के साथ फॉग है जी, दोनों चीज़ें। दानिश साहब, ये दोनों हैं, सैर फॉग भी है। वालेकुम अस्सलाम सादिया। अल्लाह सुबहानहू ने दुनिया और आखिरत में कामयाबी, बिल्कुल ऐसे ही ऐसी में रखी जी, हम दीन को मान के, अल्लाह की मान के चलें। तो सुबहान बट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच। रियाज साहब, इंडिया से, कैसे हैं? ठीक हैं। नूर, वालेकुम अस्सलाम। टेम्परेचर जी अभी -2 डिग्री सेंटीग्रेड मोहम्मद उस्मान साहब चल रहा है, और ये ऐसे ऐसा जिस तरह डाउन होता जाएगा, स्नोफॉल की शिद्दत में इजाफा होता जाएगा और फिर ये भर्ती चलती जाएगी। वालेकुम अस्सलाम सजाद मसूद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अयान नसीर, क्या हुआ आपको? जिशान, थैंक यू, क्या हाल है आपके? ठीक हैं। सलमान बख्श, वालेकुम अस्सलाम। नादिर मलिक साहब, तो वालेकुम अस्सलाम जी ऑल ऑफ़ यू। शमरे, शकील साहब और जिशान साहब, साबिर साहब, खालिद साहब, वालेकुम अस्सलाम। आलिया, और बहुत बहुत शुक्रिया इन दुआओं, खुसूसन इन चाहतों का, आप सबका। तो ये है जी झीगा गली का मकाम, और ये लाइव स्ट्रीमिंग आप देख सकते हैं मलका कोसार मरी से, और ये स्नोफॉल जारी सारी है, बल्कि बर्फ़ हो रही है और बर्फ़ के बाद फिर स्नो भी होगी। वालेकुम अस्सलाम शाइस्ता लियाकत सऊदीया से, और बहुत गर्मी है और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, और आप देख सकती हैं कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की स्नोफॉल हो रही है। तो फ़र्क पिंडी इस्लामाबाद में और मरी में भी इतना ही है, आधे घंटे का, लेकिन कुदरत अल्लाह की आपके सामने। तो जी CTP इन्हों को जरूर बचना जी, इन्हों को बचना, और किसी को बचो ना बचो, मैं सीधी तरह आने हैं जेंट मरी जेड़े इस तरह ना लगन, आपकी गाड़ी के साथ साथ लगते हैं आके, बिल्कुल इनके साथ कोई बात किसी किस्म की नहीं करनी, और मज़े से ड्राइव करते हुए आपने माल रोड पर पहुँचना है। ये तो मैं हर अपनी लाइफ स्ट्रीम में कहता हूँ, इन माफिया से आप खुद बचेंगे, खुद बचाएंगे अपने आप को भी और बाकियों को भी। कंट्रोल करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो करें ना करें, वेलकम टू मरी जी, यहाँ से ऊपर चले जाएं तो सीधा आप जाके माल रोड को टच करेंगे। तो ये हमारी हाईवे डिपार्टमेंट की मशीनरी आपके सामने है, माशाल्लाह कल दो थी, आज चार क्रेन्स फुल टाइम रेडी हैं फॉर ऑपरेशन क्लियरेंस ऑफ रोड। और ये ही इनकी अच्छी और सबसे बेस्ट के, माशाल्लाह जब भी स्नो के जब होती है प्रेडिक्शन तो ये अपने पहुँच आते हैं जी काम काज के लिए। तो मैं तो सबसे बढ़ के ये कहूँगा जी, कौन सा महकमा हमारा ऐसा जहाँ करप्शन ना हो, लेकिन बहरहाल अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी चाहिए, हमें इनका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। इस सर्दी ठंड में काम करना बहुत मुश्किल होता है जी, -3 -4 चल रहा होता है जब ये रोड क्लियर कर रहे होते हैं, और इन मशीन्स के अंदर कोई हीटिंग सिस्टम नहीं है फिलहाल, अगर है भी तो वो उसको नहीं ऑन करते क्योंकि इसकी मशीनरी पर वजन पड़ता है, ये ऑलरेडी इतनी हैवी होती है। तो ख्याल हमें हम सबका करना चाहिए, बहुत करना चाहिए, और हमें CTP के साथ ताउन करना चाहिए अपने बाकी डिपार्टमेंट के साथ, ताकि हमें कोई चीज़ का प्रॉब्लम ना हो। और सैयद जाकिब साहब, वालेकुम अस्सलाम, पिछले हफ्ते जैसे नहीं हो सकती जब हम इस जगह थे, ये अल्लाह के काम है सर, जैसे और ये हो सकती है और बिल्कुल हो सकती है, और इससे अगला स्पेल उससे भी स्ट्रॉन्ग है,
तो ये अल्लाह के काम। और इस बार सर्दियां बड़े ही अरसे बाद आई हैं, बड़े ही टाइम के बाद हमें देखने को मिली हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि खूबसूरत मलका कोसार मरी और ये उसका खूबसूरत मंजर आपके सामने है कि मज़ेदार किस्म की स्नोफॉल जारी और सारी है, बल्कि बर्फ जारी और सारी है। और ये लाइव अपडेट है, आज 30 जनवरी 2019 है, एक साल इस साल का भी एक महीना गुजर चुका है और टाइम का कुछ पता नहीं लगा कैसे गुजरा एक महीना, करते करते सालों गुजर जाएंगे। शाहिद साहब के पास बहुत गर्मी है, तो हमारे पास हालात देख लें, अल्लाह का बड़ा करम है भाई। कभी ट्राई करा आइसक्रीम खाएं ड्यूरिंग स्नोफॉल? बिल्कुल खाइए जी, कमर शहजाद ज़बरदस्त तरीके से और बड़ा मज़ा आया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन गोला गंडा खाएं जी, और वो जो लॉलीज होती है ना, जो बर्फ़ होने के बाद लंबी लंबी आइस, तो वो खाया करें, वो बड़े मज़े की होती है। उसके अंदर उसके ऊपर रूह अफज़ा डाल के कुछ जो भी उसको बेस्ट तरीके से आप कर सकते हैं वो कर लें। रिहाद में भी बहुत गर्मी, बहुत कोल्ड है। चलें गुड वन हनी प्रिंस, ये बर्फ़ आपके सामने। तो हानिया थैंक यू वेरी मच, और नशीन सिकंदर, आकिल साहब, तैमूर, ये लोअर जी अगली रोड है जो हमारा रूट होता है अक्सर। साबिर शाह साहब वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल आपके? जे बी भट, शाइस्ता महल, बहुत गर्मी है। चलें जी, से हाय टू नाइस ममूना जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम ममूना। चलें, और महर मुर्तज़ा मंसर, राबिया इमरान, वकाश यूनिस साहब वालेकुम अस्सलाम, जे बी भट साहब क्या हाल है आपके, नईम खान आगे जा रहे हैं जी, चलते जा रहे हैं। मेरा दिल है मरी, गुडवन जी हम सब का दिल है, पूरे पाकिस्तान का दिल है। और राजा शाकिर वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक बिल्कुल ज़बरदस्त। तैमूर अहमद अभी कहाँ पर हैं? लोट गली रोड पर हैं जी। और ये मलका कोसार मरी अब धुंध में बिल्कुल लतो पत हो चुका है जी। थैंक यू सिकंदर अब्बास, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय करें भाई, आप खूब एंजॉय करें सर। थैंक यू अब्दुल मोहम्मद अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका सर इस खूबसूरत कमेंट का, बाय पॉइंट ने, थैंक यू वेरी मच। आगे भी चलते जाएंगे जी, चलते जाएंगे, पहले सब्र तो कर लिया करें जी, हल्का फुल्का चलेंगे। बिलाल हुसैन साहब वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हैं? अब्दुल वहाब साहब बिल्कुल ठीक ठाक। मोहम्मद सईद वालेकुम अस्सलाम, और आगे चलते जाएंगे जी। थैंक यू वेरी मच खावर साहब, नो प्रॉब्लम नफसिन, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबकी बड़ी मेहरबानी। चाहते हैं कि आप सब खूब इंजॉय करते हैं। जुनेद खान बाहर निकल के थोड़ी वीडियो बनाओ, बाहर निकलूँगा तो कोहरा लगी किसी में, पता है कोहरा क्या होना, तो भाई जी कोहरा लगी किसी में बाहर, इतनी ठंडा भी। और बाहर निकलेंगे एक जगह पर खड़े होंगे खूबसूरत, वहाँ से व्यू भी लेंगे और ऐसा ऐसा चलेंगे, तो आप इंजॉय करें जी इसको, ये भी एक अपना ही मज़ा और ख़ूबसूरती है। और नशीन के अंदर थोड़ी स्नो हम पे भेजी, बिल्कुल टीसीस करेंगे लेकिन गारंटेड कोई गारंटी कोई नहीं है, पिघली कैसी फिर क्या कर सो। कासिम साहब पीसी चलो ना फिर ये चलो पीसी सर डोडा ने कम लगे हुआ कैसा ना, यकीन करो उधर गलती ना भी बंदा भूले गचना ना परेशानी होगी इसने के अगर किसी किधर फंसी कैसा क्या करना, फिर लाइन लंबी लंबी लाइन लग सन, तो इसके अलावा पीसी कचने फिर सौ बारी सोचना पेना कि चलो जी छोड़ो इस इन्ना रोड फिरने थुनने लुल फिरने पता है ना लुल ना। तो स्नोफॉल, ये स्नोफॉल नहीं जी, स्नोफॉल नहीं है ये बर्फ़ हो रही है, मैं आपको कब से मतलब सबको बता रहा हूँ ये स्नोफॉल नहीं है ये बर्फ़ है, तो इसको इस बर्फ़ को ज़रूर इंजॉय करें, बहुत मज़ा आएगा। चलें सारा ने आप जब आपका दिल करे आए और अल्लाह आपकी आसानी करे आने में। तो जैस्मीन खोकर सेम सेम लास्ट वीकेंड, चलें गुड वन। ज़ुबैर अहमद क्या हाल है आपके? सैमा खान वेयर आर यू राइट नाउ जी, ये है जी लॉरेंस कॉलेज रोड जो कि ऊपर माल रोड की तरफ निकलता है जो आपके सामने है। अब मैंने आज आपको सारी मेन रोड सिखा दी, सब ओपन है, कोई क्लोज नहीं है, ये मुंडी लगाने नहीं है कोड़े नहीं, अब इसको जाके ये फ्रीज कर लेंगे या बर्फ़ के नीचे छुपा देंगे, फिर सुबह आएंगे फिर इसके ऊपर एक सर फिर लगा देंगे, तो फिर आप पिक्चर्स वगैरह बनाएं खूबसूरत तरीके से। शक्ल कब दिखानी है भाई सब कर रहे हैं, ये देखें इतनी मज़ेदार स्नोफॉल दिखाएंगे जी, क्यों नहीं दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे, और ये दिखा भी रहे हैं इतनी खूबसूरत मलका कोसार मरी को, इतनी खूबसूरत लाइव स्ट्रीमिंग को, ये सबसे बड़ी बात है जी। बिल्कुल मैं निकलता हूँ कार से बाहर, मैं एक जगह पर खड़ा हूँ जहाँ का खूबसूरत व्यू भी है और वहाँ पर ठंड भी खाएँगे लेकिन आपको ज़रूर इंजॉय कराएँगे और खूब इंजॉय कराएँगे। तो खाली महबूब साहब डिग्री कॉलेज क्रॉस हो चुका है काफ़ी देर का, नाजिया वालेकुम अस्सलाम, रुबा वालेकुम अस्सलाम, जालिम मौसम है जी, वाह जी वाह ज़बरदस्त।
लॉलेस तोड़ के खाते हैं जी, बिल्कुल हम यही काम करते हैं, लॉलेस तोड़ के खाने वाला काम। और काम क्या है, सबसे मजे का, कभी कभी तो मिलती है पूरे साल के बाद, एक दो महीने में तो मिलती है लॉलेस, खूब करते हैं एंजॉय। तो आप भी खाया पिया करें, कोई नहीं, गला ही थोड़ी देर खराब होगा, दवाई से डॉक्टर का भी भला हो जाएगा, वैसे भी कसाई हैं तो कोई बात नहीं, उनका भी भला हो जाएगा। थैंक यू बिनिश और कुरतलैन शहजादा साहब, क्या हाल है सादिया, वालेकुम सलाम। स्नोफॉल एक्सपेक्टेड नहीं है जी, अभी बर्फ़ एक्सपेक्टेड है और बर्फ़ हो रही है, स्नोफॉल बाद में एक्सपेक्टेड होगी। तो रूह अफजा डाल के कमर से ज़्यादा मज़ा आया कि नहीं ये भी बताएं ना, फिर व्यूअर्स को बताएं कि आप भी मरी किए हैं और कितना मज़ा आया आपको ये रूह अफजा डाल के लॉलीज वगैरह खाते हुए, तो कितना मज़ा होता है, ये पूरे साल के बाद मिलती हैं, वरना ये तो नज़र ही नहीं आती जी, या ठंडे इलाकों में भी चले जाए नॉर्दर्न इंडियाज़, वहाँ में भी हमें नहीं मिलती। तो यही तो मज़ा है इस मौसम का, इस वक्त का और इस खूबसूरत टाइम का, जो टाइम मिले गनीमत समझे और उसी को इंजॉय किया करें। दिल साहब, कलीम साहब, थैंक यू वेरी मच, वसीम साहब और सबके माशाल्लाह बहुत कमेंट्स हैं, सबके पढ़ने की कोशिश पूरी करूंगा। अदील औरंगजेब साहब वालेकुम अस्सलाम, सरदार फैसल साहब थैंक यू वेरी मच, राजा शिराज वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं, बेहतरीन हैं, नो प्रॉब्लम सर, हसनैन साहब आप इंजॉय कर रहे हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है, बिल्कुल होगी और कल बिल्कुल अपडेट सब लास्ट में ज़रूर अपडेट दूंगा, जो भी आने वाला मौसम है सब चीज़ें हैं। थैंक यू आसिफ साहब, एहसन साहब वालेकुम अस्सलाम और जुनेद साहब भाई वॉइस बहुत स्वीट है, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी स्वीट है तो हमारी भी स्वीट होगी। फैजान साहब आपका कॉलेज गुजर चुका है, थैंक यू सर। और जुनेद खान कश्मीर पॉइंट जसो, ना जी इधर 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 ही खान जी, इधर ही टोरसा कश्मीर पॉइंट, ना कोई चक्कर शक्कर ना, कल देख सा या शामी रात ही देख सा। थैंक यू वेरी मच खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपकी चाहतों का तभी हमें भी हौसला मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि एक छोटी सी मेहनत अपनी तरफ से भी हो जाए। तो ये देखें जी, धुंध साथ स्नो और खूबसूरत इन्जॉयमेंट हो रही है, और यही अच्छा आइडियल टाइम है जो वक्त गुजर जाए और सेल्फीज लें और ब्लेदे, बल्कि इस बर्फ़ हम तो कहते हैं हमारी ज़बान में कहते हैं ब्लेदना, इस पर ब्लेदें जी। तो कल भी होगी इंशाल्लाह, ज़रूर जी होगी, कल स्नो होगी, आज बर्फ़ हो रही है, कल स्नो होगी, लुर लुर मोमिना नाम है जी, अच्छा जी सॉरी सॉरी गलती होगी, माफ़ी दे देते हैं, माफ़ी मिल सकती है तो दे दिए। तो यहाँ से मैं खड़ा होकर आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, पार्किंग की स्लॉट तो है नहीं लेकिन जगह थोड़ी बर्फ ने ज़रूर कवर की हुई है, देखते हैं यहाँ से हमें आज व्यू नज़र आता है कि नहीं आता। बाहर निकलते हैं, आपको भी दिखाते हैं, खुद भी थोड़ी ठंड खाते हैं, और ठंड खाने का इशू नहीं है, बीमार हो ना तो सारे मथे लग समय ठीक है ना। ये देखिए जी यहाँ से वैली का व्यू, और यहाँ से बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा व्यू होता है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, खूब एंजॉय कर सकते हैं मलका कोसार मरी को, ये चेक करें सारे एरिया को घेर चुके हैं, और यहाँ से आप बहुत प्यारा व्यू इस पहाड़ी का देख सकते हैं, उसको एंजॉय करना मत भूलिएगा। सहर एहसान, बर्फ़ नहीं, बर्फ़ पड़ी है जी, स्नो नहीं पड़ी अभी, बर्फ़ पड़ेगी तब, स्नो पड़ेगी तब बताऊंगा कितनी पड़ी है। क्यूम खान वालेकुम सलाम, आपका जवाब क्यों नहीं देता भाई, बिल्कुल देता हूँ जहाँसेब, क्या हाल है आपके, हानिया रजा शराज मोहम्मद एहसन कमर शहजाद, नो प्रॉब्लम, अपना घर देखा करें जी, खूब इंजॉय किया करें अपने इलाके को, ये देखें बाहर निकल रहे हैं जी, हवा भी चल रही है ठंडी, बहुत मज़े की है, मुझे बहुत शौक़ है स्नोफॉल देखने का, तो खूब देखें जी, इंजॉय करें, हम आपको दिखा रहे हैं इसी वजह से आप इंजॉय किया करें, बहुत अच्छा होगा कि पीसी साइड ऊपर चलें जी, हम लगना शुरू हो जाए तो अच्छी बात है, अच्छा कदम है, अल्लाह करे गवर्नमेंट लगाए, क्यों ना लगाए। ये चेक करें, ये पहले की स्नोफॉल जब हुई थी उसके बाद ये अब आज हो रही है लास्ट वीक के बाद, और एक्सप्रेस वे हमारा रवा दवा है माशाल्लाह फुल टाइम, और हवा भी है, ठंड भी है, ठंड भी बहुत ही डेंजरस वे तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी, ऑल सेफ है, किसी किस्म का मसला नहीं है। एहसन जुनेद खान कश्मीर पर ना जा सो जी, इधर ही हो गुजर साहब इंजॉय करें। तो वसीम साहब वालेकुम अस्सलाम, अदील औरंगजेब वालेकुम अस्सलाम, रूबा आमिर सोहेल साहब, नौशीन सिकंदर, रेहाना तला, नौशीन सिकंदर, मोहम्मद आमिर ऑनलाइन कुरान अकेडमी, आसिफ तारिक, मोहम्मद आमिर, वसीम अख्तर वालेकुम अस्सलाम। स्नो और बर्फ़ में क्या डिफरेंस है, स्नो स्नो होती है, स्नो और बर्फ़ बर्फ़ होती है, बर्फ़ बर्फ़ ये भी बर्फ़, ये बर्फ़ है और ये स्नो है, कोई डिफरेंस नहीं है यार, आप डिफरेंस खुद पता करें, बाद में मैं बताऊंगा स्नो और बर्फ़ में क्या डिफरेंस है। ज़ैनब नवाब वालेकुम सलाम, क्या हाल है, लव मोर मोर, इन्जॉय करें जी, खूब इन्जॉय करें।
और बिना नकवी क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, ठीक हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? सैर बिल्कुल सार मरी। अब बाहर से भी आपने व्यू देख लिया, ये धुंध है, लेकिन हमारे अपडेट यही है जितना आपने घुमाया है, 4-1 हज़ार तो बनता है आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल, 4-1 हज़ार क्या, 10-1 हज़ार भी लगा लें तब भी मेरे ख्याल कम ही होगा। तो फ्री में इंजॉय किया करें, कीमत किसी चीज़ की नहीं होती, कीमत हर चीज़ की कीमत नहीं होती मेरे भाई, पैसा नहीं होता, कोई और चीज़ भी उसकी कीमत होती है, तो उस पर थोड़ा गौर कर लिया करें। मेरा काम है अपने मुल्क को किसी तरह से छोटा सा सपोर्ट करके चलना और इस खूबसूरत टूरिज़्म को सपोर्ट देना। छोटी सी मेहनत हमारी है, बड़ी अल्लाह खुद कर देगा, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, हमारा मुल्क दुनिया में चमकेगा टूरिज़्म के लिहाज से पहले से बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू वेरी मच आप सबका जो लोग देख रहे हैं, इसको इन्जॉय करें, अपने खूबसूरत कमेंट दे रहे हैं। नौशीन सिकंदर, कासिम साहब, नौशीन, शेख आसिफ साहब, बिना नकवी, थैंक यू सो मच, रियाज साहब, मोहम्मद कासिम साहब, बहुत शुक्रिया, आमिर सोहेल साहब, खुशी साहब, स्नो और बर्फ़ में क्या फ़र्क है? स्नो और बर्फ़ में फ़र्क आप सब तलाश करें, जब आप सब जवाब दे देंगे फिर मैं बताऊंगा स्नो और बर्फ़ में फ़र्क क्या है, लेकिन अभी बर्फ़ हो रही है। बहरहाल ये मैं बता दूँ, स्नो होगी बाद में। आसिफ शेख साहब, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अब्दुल्ला यजदानी, अपनी इज्जतों का ख्याल नहीं है तो कम अज़ कम अपने घर वालों की इज्जतों का ख्याल कर लिया करो, और किसी चीज़ को एज़ अ फ़न लेने से आपकी इज्जत में कमी नहीं आ जाएगी और ना ही आपके करेक्टर में। जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो ना, इससे आपका करेक्टर भी शो होता है और अपने ख़ानदान की जो इज़्ज़त बचाना चाहते हो ना, वो भी शो हो रहा है। तो मेहरबानी करके आप अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करना, ज़िंदगी में सीख लो, बहुत फ़ायदा दोगे, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा होगा, 1-2-10 आगे से भी मिल सकती हैं। तो मेहरबानी करके ना अच्छे अल्फाज दिया करो, मुँह से निकाला करो। पराडो इजी है जी, शेख ज़ुबैर साहब, पराडो से बेहतर तो है ही कोई नहीं जिस मौसम में, पराडो नहीं आ सकती तो समझे फिर कुछ भी नहीं आ सकता। और आप आएँ खूबसूरत तरीके से, उसको लेकर आएँ, अच्छे तरीके से ड्राइव करना आपको आता होगा तो सेफ़ एंड साउंड आएंगे, इंशाल्लाह चले जाएंगे। मदर साहब, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। शरीफ साहब, फ्राइडे दिन में स्नो है कि नहीं है? सर कल बताऊँगा, कुछ पता नहीं है, एक्सपेक्टेड है 1st-2nd तक है, तो देखें, तंग ना करो, काम करन दियो, कहो लोगों ने, बिल्कुल जी, फ़ोन ऊपर आखो ने, तंग ना करो जी, बिल्कुल जी, काम तंग ना कर सन जी, काम करन दे जी, काम तो करते जाएंगे, करते जाएंगे। हीरा भट्टी, हीरा भट्टी, आप कह रहे हैं स्नो सर लगे 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 फट नहीं, बर्फ़ लगे तो फट जाता है, फ़र्क यही है। चलें जी, फ़र्क महसूस करें, इन्जॉय करें, गो एंड सिट जी, बिल्कुल जाते हैं जी, और खूब इन्जॉय कर लिया, अब आपने भी, हमने भी कर लिया और आपको भी करा लिया, ठंड ज़बरदस्त है अभी जो, ये आप देख सकते हैं मलका गुसार मरी को यहाँ से। चलते हैं जी ढीले ढीले वापस और अपने मकाम पे। फरहाना, थैंक यू सो मच। नज़ीर साहब, आपका बदल जाए, सबका बदल गया। रुबीना नासिर, वालेकुम अस्सलाम, कौन सी जगह है जी? लॉन्स कॉलेज रोड है जी। बिना नगे क्यों ना बताएं जी सब, मैं तो यही कह रहा हूँ, आप सब जिसको पता है वो ज़रूर बताए जी, स्नो स्नो और बर्फ़ में जो फ़र्क है वो बता दें, लेकिन बहरहाल अभी बर्फ़ हो रही है और बाद में, मैं फिर वही कह रहा हूँ, बाद में स्नो होगी, तो जिसको पता है ज़रूर बताएं जी, बिल्कुल बताएं, मैं तो ये कह रहा हूँ ये बात कि आप खुल के बताएं कि क्या डिफरेंस है और क्या नहीं। तहसीन साहब, वालेकुम सलाम, मेरा नाम नहीं लिया, फ़राना ज़रूर लिया जी, और निकास साहब, हैदर नकवी, और कासिम साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, चाहतों का सर, बड़ी मेहरबानी आपकी, और किस वाला मोड़ी चक्कर लगना यो ही दसिया फिर। यार मैं किसी बात पे माइंड नहीं करता जुनेद खान, मैंने क्यों माइंड करना है? मैंने माइंड एक बात पे किया, जिस बात पे किया उस कमेंट को मैंने डिलीट कर दिया। वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल क्यों करते हैं यार? ना तो मैंने की कभी, ना मैं करूँगा, ना मुझे करने का फ़ायदा, तो फिर लोग क्यों करते हैं? कोई कम अज़ कम ज़ुबान का अच्छा इस्तेमाल करने से आप बंदे की पर्सनैलिटी डाउन नहीं होती यार, ना अप होती है, ना उसमें आपको कोई फ़ायदा है, नुकसान ही नुकसान है। आप क्यों किसी को खाम खाम में उठ के बैठ के जो दिल आए मुंह से बोल दो यार, ऐसा तो नहीं है। आजमाने वाली ज़ात अल्लाह की है, वो आजमाता है, वो आजमाइश उसने भेजनी होती है, लोगों को हक अल्लाह ने नहीं दिया आजमाने का मेरे भाई। तो मैं इस वजह से मैंने और तो मैं क्यों किसी और बात पे तो मैंने कोई बात की नहीं। स्नो इज सॉफ्ट टू टच एंड बर्फ इज सॉलिड एंड स्लिपरी, ठीक है जी ये बात, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ खुद देख लें जी स्नो और बर्फ़ में क्या फ़र्क है और आपके सामने है। मियाँ अजीम साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं। उज़ैर, खूबसूरत तरीके से माई, थैंक यू। और नुमान साहब, वालेकुम अस्सलाम,
संडे मंडे को स्नोफॉल हो जी, जब होगी मैं बिल्कुल बता दूंगा आपको क्या है क्या नहीं। मज़े की वीडियो जो मेरा इन्जॉय करें। यूसुफ खान साहब, स्नो आई डोंट लाइक। चलें जी, बर्फ़ को फिर आप लाइक कर लें रुबीना, स्नो को लाइक ना करें। और सैटरडे संडे चांसेस, संडे स्नोफॉल जी आने वाले बताऊँगा। एहसन खान, रफ़े, रोबिया, बिस्मा बादशाह और स्नो के भी मज़े जी। जी जी, बर्फ़ और स्नो दोनों के मज़े जी, इन्जॉय करें। गाड़ी कौन सी है जी? गाड़ी 4 टायरों वाली है। और फ्राइडे सैटरडे कब? अब जी सब अपडेट देता हूँ। एक मैं मैसेज अबाउट स्नो जी पढ़ लिया, बिना नकवी पढ़ लिया आप। फिर मैं कह रहा हूँ, फिर सोचें स्नो और बर्फ़ में क्या फ़र्क है। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ बर्फ़ हो रही है, बाद में स्नो होगी। कब तक जारी है? जब तक जारी है जी, वो सारी अपडेट देता हूँ। चलें जी, हम भी अपने मकाम पे हैं, करीब तरीन हैं और अल्लाह खैर से हमें ले आया। इधर का भी व्यू दिखाऊंगा खूबसूरत व्यू के साथ। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और वो जवाब भी ज़रूर दूंगा, स्नो और बर्फ़ में क्या फ़र्क है, तो बिल्कुल बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन बहरहाल सबसे मज़े की बात आज की यही थी कि स्नो और बर्फ़ में क्या फ़र्क है। अल्लाह की कसम कोई फ़र्क नहीं है। स्नो इंग्लिश में है, बर्फ़ उर्दू में है। उसको आप जो मर्जी फ़र्क बना दें और नरेशन बना दें, उसका यही फ़र्क था कि बर्फ़ और स्नो में यही डिफरेंस है उर्दू और इंग्लिश का। इससे